ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਨਟਬੁੱਕ ਐਂਡ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਉਸ ਵਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਲਿਖਣਾ ਅੱਜ ਹਮ ਉਸ ਵਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇਂਗੇ एक्सरसाइज दी गई है वो करेंगे हम इसमें करेंगे क्या दिया है शब्द है ओके शब्द कैसे बनता है अक्षर जॉइंट होते हैं तब शब्द बनता है ओके चलो शब्द कैसे बनते हैं जैसे कि तो की मात्रा को ये शब्द और दूसरा ऐसा कौन सा शब्द डालेंगे तो अक्षर डालेंगे तो शब्द बनेगा कूल बना ना वैसे ही यहाँ पर कू को उकी मात्रा पुत्र को उकी मात्रा पुत्र दूसरा शब्द है च की मात्रा तू र च तू र श को की मात्रा शु भ शु भ म द को की मात्रा तू र म तू र ये जो सारे शब्द हैं वो ओ की मात्रा वाले शब्द हैं दूसरे भी हैं यहाँ पर टाइटल करके लिख भी सकते हो ओ की मात्रा वाले शब्द ओके मोरली उमा उषा उड़ाना उधर ऊपर फुटबॉल उच्चंग
सुनाओ। मुरली हनुमान धनुष तुलसी कुटिया बहुत अच्छे से ये बोलते जाना है और नोटबुक में लिखते जाना है। वर्कबुक वाले जो शब्द है वो वर्कबुक में लिखने हैं, बाकी ये जो सारे शब्द है वो नोटबुक पर करना है। चलो कुल पुत्र चतुर गुलाब मुरली शुभ मधुर दातून फुटबॉल हनुमान बटुआ मुरली उमा उधर धनुष उषा उड़ान उधर 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 दो बार आया उच्छम तुलसी उपर कछुआ मुनि सुनार कुटिया। तो ये जो सारे शब्द है वो सारे शब्द का उच्चारण ओ है। जब हम बोलते हैं दातुन की साउंड सुनाई देती है ना फुटबॉल फू, जब ये फू बोलते हैं तब उ की साउंड सुनाई देती है अनु, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि ये छोटी उ की मात्रा वाले शब्द है। छोटी उ की मात्रा की कौन सी है ये वाली, छोटी उ की मात्रा कौन सी है ये, ओके ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से वर्क करना है, ये सारे जो शब्द है इसका मीनिंग भी हम जानेंगे। कुल यानी कि टोटल, पुत्र तो एक माता पिता का पुत्र होता है वो पुत्र, चतुर यानी कि ब्रिलियंट, गुलाम रोज मुरली तो कृष्ण भगवान के हाथों में क्या होती है मुरली होती है ना, शुभ यानी हम बोलते हैं ना कि ये टाइम अच्छा है अच्छा टाइम शुभ यानी अच्छा टाइम, मधुर कृष्ण की मुरली बजती है तो हमें कैसी लगती है मधुर लगती है ना मीठी मीठी लगती है ना वो मधुर, दातून हमारे दातून, फुटबॉल जो हम खेलते हैं हनुमान जी, हनुमान जी की चालीसा करते हो सब हनुमान जी को है ना, आपको कुछ ना आए तो कोई बात नहीं लेकिन हनुमान जी का मंत्र बोलना ओम हम हनुमते नमः वो तो आपको आएगा, वो थोड़ा बड़ा वाला मंत्र है ना वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ये वाला जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः वो बोलना, या फिर ओम श्री हनुमते नमः वो भी बोलोगे ना, फिर धीरे धीरे आप चालीसा सुनना पहले मोबाइल में आप के डैडी को बोलना कि रोज सुबह में चालीसा करके दे, आपको हनुमान जी के चालीसा सुनोगे ना तो फिर आपको आ ही जाएंगे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले सुनना एक मंत्र सुनना आ जाएंगे। ओके बेटा ये हमारे बहुत शक्तिशाली भगवान है, ओके तो इसकी आराधना करना हनुमान जी की। बटुआ यानी पॉकेट, मुरली मुरली भी शब्द दो बार आया है ना भगवान की मुरली, उमा पार्वती जी का दूसरा नाम, उधर अब हम कहते हैं ना उधर है वो चीज धनुष, राम जी की हाथों में क्या होता है अर्जुन के हाथों में क्या होता है धनुष होता है ना, उषा उषा एक नेम है ना, उड़ान हमें बहुत बड़ी उड़ान करनी है उड़ना, उधर
छंद बालक कहते हैं ना, बहुत मस्ती को तुलसी, तुलसी का क्या सभी के घर में होता है, उपज जो हम बीज बोते हैं और फिर कोई छोटा सा पौधा निकल आता है बहुत सारे खेत में, उसको उपज कहते हैं। कछुआ पानी में भी होता है, फिर देखा है ना हमने, चलता भी देखा है कछुआ। मुनि जो जंगल में तप करते हैं उसको मुनि कहते हैं। सुनार, सौ सुनार की एक लुहार की, सुनार यानी हमारी ये जो बहने बनाता है वो सुनार। कुटिया झोपड़ी है ना, एलकेजी एसकेजी की कुटिया है ना हमारे यहाँ वो। तो ये जो शब्द है ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला टू टाइम आ गया है, कहीं ना मन के टू टाइम आ गया है। ओके बेटा, हाँ चाहे टू टाइम है तो बहुत अच्छा है, हम सीखेंगे अच्छे से है ना। तो ये वाला वर्क वर्कबुक में करना है, जो शब्द वर्कबुक के है वो वर्कबुक में करना है, बहुत अच्छे से वर्क करना है, राइटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए है ना। नहीं तो ऐसी वैसी बुक आप यहाँ पर भेजोगे तो मैं चेक ही नहीं करूँगी, राइटिंग जिसकी अच्छी होगी ना उसकी बुक अच्छे से चेक करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी।